हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान डॉक्टर सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी सिरोही जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित, मुख्यातिथ्य और जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल के सानिध्य में गणकोटी मां मंदिर पोसालिया शिवगंज तहसील में भारतीय जनता पार्टी के पोसालिया नवीन मंडल की घोषणा की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित ने सर्वप्रथम भारत माँ की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीपक प्रज्वलित किया और कहा कि नवीन मंडल बनने से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे और पार्टी मजबूत बनेगी। इसके साथ ही मौजूदा कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में लाइट कटौती आमजन के लिए विकट समस्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुष्टीकरण की नीति राजनीति करके राजस्थान की आम जनता में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। राजस्थान बलात्कार, दंगों और अपराधों में नंबर वन बन गया है और अपराधियों की शरणास्थली बनता जा रहा है, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। फिर जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार आमजन तक पहुँचना तक चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ सके। इसके बाद पूर्व जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल मीणा पधारे और सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री अमृत अग्रवाल ने किया। इस कार्यक्रम में मनीषा मीणा, उप प्रमुख पालरी, एम मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह राठबर, कैलाश नगर मंडल अध्यक्ष गणेश राज पुरोहित, शिवगंज मंडल महामंत्री मुकेश प्रजापति, राकेश सोनी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विक्रम चौहान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रताप परमार, प्रवीण सिंह राव, इंदर सिंह चूली, ईश्वर सिंह बेरारामपुरा, छगन सिंह, मांगीलाल उत्मन पंचायत समिति सदस्य, दलाराम टेलर, श्रवण सिंह देवड़ा, कांतिलाल खंडेलवाल, हमीर सिंह जिराव, किशोर खंडेलवाल, प्रभुराम मीणा, रमेश माली, धन्नाराम माली, पारस माली इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।